तो भाई क्या तुम्हारी जिंदगी में मजे खत्म? इधर क्यों देख रहे हो? इसको देखो, ये है विंडोज 11। अगर आप अपने लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हो, जिंदगी के मजे बढ़ाना चाहते हो, तो विंडोज 7, 8, 10 से पावर छूट का रहा है। इसको करो इंस्टॉल फ्री में, मैं बताऊंगा इजी स्टेप्स में। तो आपको करना है इन स्टेप्स को फॉलो। वीडियो में पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन सब बताऊंगा। आपको चाहिए बस एक ही 32 GB की पेन ड्राइव, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन और ये लैपटॉप जिसमें आपको ठोकना है। इसको ठोकना है लैपटॉप में, ठोको। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ये किया मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट। आई आवाज भैया, आई 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 ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इसको कर लैपटॉप में इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद ये स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, वीडियो आगे तक देखना। तो यार तुम सोच रहे हो कि ये मुफ्त में क्यों बता रहे हैं? पहली बात, क्योंकि मैंने खुद जुगाड़ लगा के किया है भाई। मेरे पास जुगाड़ था, मैंने किया इसको इंस्टॉल। तो भाई अगर तुम्हारे पास बहुत बेला टाइम है तो तुम 24 जून का भी इंतजार कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उस दिन इसको ऑफिशियली लॉन्च करने वाला है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं नया मार्केट से खरीद लूंगा विंडोज 11, तो भाई बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन अभी तक लैपटॉप नहीं आया कोई विंडोज 11 वाला मार्केट में। कंपनी ने इसको अभी तक लॉन्च ही नहीं किया, तो तुम मार्केट में ढूंढने कैसे जाओगे? जितने मर्जी पैसे दे दो, करोड़ों दे दो, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट से हमारी बहुत बहुत माफ़ी, क्योंकि मैंने जुगाड़ लगा के इसको पहले इंस्टॉल कर लिया है 24 जून से पहले। तो भाई मेरी वीडियो को लाइक मत देना प्लीज़। तो भाई जुगाड़ लगाया हमने, चाहिए बस ये एक लैपटॉप जिसकी ऐसी स्क्रीन हो, इधर ठोकने के लिए पेन ड्राइव और इसमें लगाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन, बस। समझ सकता हूँ मैं तुम्हारी हालत, क्या हालत होगी तुम्हारी, लैपटॉप की इतनी हालत पूरी की है तो तुम्हारी क्या करूँगा, सोच लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर शिवंदी एक बार नए एपिसोड में। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो बिना समय गवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तुम्हें विंडोज 11 की ISO फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसे खोलने के बाद तुम्हारे स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें मीडिया फायर पर जाना है। मीडिया फायर के बाद तुम्हें एक 4.54 GB की फाइल दिखेगी, उसको दबाना है तुमने डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ ऐसा डाउनलोड फाइल इन्फो आ जाएगा, उसमें करनी है तुम्हें कुछ सेटिंग्स, सॉरी नहीं करनी, सीधा स्टार्ट डाउनलोड कर लो। और उसके बाद तुम्हें सीधा सर्च करना है रूफोस, RUFUS। जाना है सीधा गूगल क्रोम पे, वहाँ सर्च करना है रूफोस, वहाँ के तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू तुम्हारे पेन ड्राइव में फाइल ट्रांसफ़र होगी, इसको भी तुम्हें स्टार्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये रही तुम्हारी स्क्रीन पे। तुम्हें मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए 32 की ली है, तो 8 GB की पेन ड्राइव से तुम्हारा काम चल जाएगा। ये सामने दिखा रहा है रूफोस 21996 नाम की एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब करो पेन ड्राइव इंसर्ट, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो रूफोस खोलने के बाद तुम्हें नो ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर तुम्हें एक डिवाइस सिलेक्ट करना है जो कि होगी तुम्हारी पेन ड्राइव। सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे तुम्हें एक फोल्डर बनाना है विंडोज 11 नाम का। उसको खोलने के बाद तुम्हें इस फाइल को वहाँ ट्रांसफ़र कर देना है। पार्टीशन स्कीम को करना है GPT, और टारगेट सिस्टम तो आपका UEFI ही रहेगा। तो भाई जल्दी से कर लो इसको स्टार्ट। तो भाई पुराने लैपटॉप में हो गया काम ख़त्म। तब अब तुम्हारा काम है विंडोज़ इंस्टॉल करने का, तो लैपटॉप को जल्दी से कर लो बंद। तो कई सारे लैपटॉप्स में इंस्टॉल करने के अलग अलग ऑप्शन है, तुम्हें बूट मेन्यू में जाना पड़ेगा। बूट मेन्यू के अपने अपने तरीके हैं, तो तुम्हें करना है लैपटॉप के बटन को ऑन, बार बार एस्केप को दबाना जाना है, दबाते जाना है। दबाने के बाद तुम्हें F10 दिखेगा, जहाँ पर तुम्हें बूट मेन्यू का भी ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपनी जल्दी से पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेनी है, जो तुमने अभी उससे निकाली बाहर। तो भाई ये तुम्हारे सामने कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा। अब करना है तुम्हें विंडोज़ का सेटअप, इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो तुम्हें चाहिए अपनी ज़रूरत के अनुसार। इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर दो, उसके बाद सेटअप अपना काम करना शुरू कर देगा। तो भाई ये तुम्हारे से एक प्रोडक्ट की मांगेगा, प्रोडक्ट की तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें साइड का ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहाँ पर तुम्हें विंडोज 11 प्रो पर सिलेक्ट करना है, या फिर कोई भी विंडोज़ जो तुम चाहते हो। पॉलिसीज एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हें इसको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद तुम्हारी पेन ड्राइव में जो शो करेगा ड्राइव ओ अनअलोकेटेड स्पेस, जो कि होगी 127 GB, यानी कि तुम्हारे लैपटॉप में इतनी जगह वो खींच लेगा, तो उसको नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने से पहले तुम्हें साइज़ को जो है वो 5000 पे रखना है।
तो यहाँ पे ड्राइव जीरो पार्टीशन 3 दिख रहा होगा जो कि है 48.7 GB का प्राइमरी। तो तुम्हें इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देना है, बाकी काम शुरू हो जाएगा। तो भाई इंस्टॉल होने के बाद ये तुम्हारी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखेगा। भाई विंडोज़ 11 तो काफ़ी मज़ेदार है। तो भाई तुम्हारा लैपटॉप मजे लेने के लिए तैयार। इसके बाद तुम्हें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि तुम किस कंट्री में रहते हो। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें कंट्री की भाषा भी आनी चाहिए। उसके बाद लेआउट चूज़ करने का बोलेगा, तो भैया इसको सिंपल ही रहने देना। अब ये तुम्हें दिखा रहा होगा चेकिंग फॉर अपडेट्स। तो भाई ये तुमने पर्सनल यूज़ के लिए इंस्टॉल किया है, तो इसको पर्सनल यूज़ पर क्लिक करो। उसके बाद ये तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी मांगेगा, पासवर्ड इनपुट या फिर जीमेल करके कुछ भी करके इसको जल्दी से ओपन कर लो। तो यहाँ पर मैंने डाला अपना नाम। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सबको जल्दी से बंद कर लो और एक्सेप्ट कर लो। लो भाई विंडोज़ भी तुम्हें हाई करने लगी। अब तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तो कोई नहीं देता था, लेकिन विंडो हाई कर रही है। वाह, लो भाई स्वागत है तुम्हारा नई ज़िंदगी में, यानी कि विंडोज़ 11 वाली ज़िंदगी में। तो तुम देख रहे होगे नीचे टाइम जो है वो 4:42 हो रहा होगा। भाई मैं इस टाइम पर नहीं जागा हूँ, मेरे से टाइम गलत सेट हो गया। वो तुम आसानी से कर सकते हो चेंज। अब भाई मज़ा लो विंडोज़ 11 का, ज़िंदगी के नज़ारे हो गए और लड़के हमारे देश के कुंवारे हो गए। तो ऐसी वाहियात सी शारी को ना सपोर्ट करते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।